नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुला शर्मा आज की चर्चा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारी चर्चा का विषय है ICT अर्थात इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मैं अपनी मित्र उर्वशी आर्य का स्वागत करती हूँ, जो आपको कम्युनिकेशन के बारे में या ICT के बारे में विस्तार से बताएंगी। तो मेरी मित्र उर्वशी जी, नमस्कार उर्वशी जी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं आज आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मीनिंग बताने जा रही हूँ। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी में 3 वर्ड्स आते हैं, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड तीसरा वर्ड है टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन रिफर्स टू, हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन एक नॉलेज है, जो हम प्राप्त करते हैं कहाँ से, रिसर्च के द्वारा या कोई इन्वेस्टिगेशन के द्वारा या फिर कोई भी बुक पढ़कर हम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। जब हम इसको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन का मीनिंग है अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का मतलब कम्युनिकेट को ट्रांसमिट करना, अपने मैसेज को ट्रांसमिट करना, और इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। टेक्नोलॉजी मतलब होता है एक साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपीरियंस या रिसोर्सेज का प्रोडक्ट को, ऐसे प्रोडक्ट को बनाना जो ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल करती हो। तो आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम प्राप्त कर रहे हैं और उसको कम्युनिकेट अच्छे बेहतर तरीके से कम समय में ज़्यादा दूरी तक पहुँचाना टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने उर्वशी जी, कि हमारे संदेश को हम तकनीकी के माध्यम से कितने अच्छे से या कितनी तुरंत जल्दी अपने संदेश को भेज सकते हैं, यही हमारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हमारे मित्र उर्वशी जी ने ICT पर हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, तो आगे हम जानना चाहते हैं कि इस ICT का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है। इसके लिए मैं अपनी मित्र रिमझिम सोनी का स्वागत करना चाहूँगी, जो आपको बताएंगी कि ICT का शिक्षा में क्या उपयोग है। दोस्तों, आपने देखा उर्वशी जी ने हमें ICT के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ICT का क्या अर्थ है और ICT किस तरीके से हमारी दिनचर्या का भाग बन चुकी है। तो अब मैं अगली अपनी मित्र रिमझिम सोनी का स्वागत करूंगी, जो आपको बताएंगी कि ICT का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है। तो स्वागत है मेरी मित्र रिमझिम का। रिमझिम, आप बताइए कि ICT का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, किस तरह शिक्षा को इसने सरल बना दिया है या कठिन बना दिया है ICT ने? धन्यवाद मैम। जैसा कि सभी जानते हैं कि ICT का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। आजकल का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, और आप सभी जानते हैं कि आज की इस दुनिया में कदम से कदम मिलाना कितना ज़रूरी है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई और क्षेत्र हो। और उसके लिए शिक्षा को ICT से जोड़ना एक बहुत ही अच्छा टूल हम यूज़ कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, जो कि शिक्षा को बहुत ही आसानी तरीके से, छोटे छोटे बहुत ही आसान तरीके से सभी को शिक्षा का प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। ICT को शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ने के लिए कुछ तरीके हैं, जिससे कि हम ICT को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आसान तरीके से जोड़ सकते हैं। पहला है उसमें प्रेजेंटेशन, डेमोंस्ट्रेशन, इंटरेक्शन, कोलैबोरेशन एंड प्रैक्टिस। और ICT को शिक्षा से जोड़ने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं कि जो लोग शिक्षा को स्कूल में जाकर प्राप्त नहीं कर सकते, वो ऑनलाइन ही ICT के द्वारा शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल सही आपने रिमझिम जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ICT ने वाकई हमारे शिक्षा के क्षेत्र को बहुत ज़्यादा व्यापक कर दिया है। यानी हम आज जहाँ ग्रामीण इलाकों में बच्चे शिक्षक से शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, वो ग्रामीण बच्चे भी आज शिक्षा के क्षेत्र में ICT के माध्यम से आगे आ रहे हैं और अपने भविष्य को उज्ज्वल बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रिमझिम जी आपका। अब मैं, ये हमारी ये जो ICT है, इसका हमारे शिक्षक और विद्यार्थियों में क्या योगदान है, या शिक्षक किस प्रकार ICT का उपयोग कर रहे हैं
और आईसीटी के माध्यम से विद्यार्थियों को किस तरह से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, इसकी जानकारी के लिए मैं अपने मित्र विकास का स्वागत करना चाहूँगी, जो आपको बताएंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक और विद्यार्थी का आईसीटी में किस प्रकार योगदान है या किस प्रकार शिक्षक आईसीटी का उपयोग करके अपने विद्यार्थियों को आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो मित्रों, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने मित्र विकास का स्वागत करती हूँ और वो आपको बताएंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का अध्यापकों का क्या योगदान है और अध्यापक किस तरीके से अपने विद्यार्थियों को आईसीटी के माध्यम से सरल तरीके से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो विकास, आप बताइए कि शिक्षा के क्षेत्र में आखिर शिक्षकों की क्या भूमिका है, आईसीटी को लेकर क्या दृष्टिकोण है उनका। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईसीटी आज के युग में ज्ञान का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। सीखने की प्रक्रिया में यह एक नया आयाम प्रदान करता है। इसकी सहायता से विद्यार्थियों को बहुत ही सरलता से आकर्षित किया जा सकता है शिक्षा की ओर। आईसीटी के द्वारा बहुत ही कम समय में गुणात्मक शिक्षा को विद्यार्थियों तक पहुंचाया जा सकता है। तो देखा जाए तो आईसीटी के द्वारा शिक्षा कम समय में पहुंचती है, ये एक प्रकार से समय की बचत भी करता है और समय इससे विद्यार्थी हमेशा सजग और प्रेरित रहते हैं। अच्छा, तो ये आप, यही मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आखिर जो शिक्षक है उनकी क्या भूमिका है शिक्षा के क्षेत्र में, क्या शिक्षा के द्वारा उनका काम आसान हो गया है या उनका काम और ज़्यादा बढ़ गया है, तकनीकी के विकास के कारण उन्हें क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप देखिए, समय के साथ साथ शिक्षक की भूमिका भी बदल गई है, इवन अगर कहा जाए तो और भी उस पर भार आ गया है और बढ़ गई है उसकी भूमिकाएँ। आज शिक्षक सिर्फ चौक और डस्टर तक ही सीमित नहीं रह गया है। आज शिक्षक को अगर कोई पाठ पढ़ाना है या कोई पाठ समझाना है, बस उतनी वही बस शिक्षा नहीं है। आज विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होना ज़्यादा महत्व रखता है शिक्षा के सामने। आईसीटी इस सर्वांगीण विकास में बहुत मदद करता है। जैसे कोई कविता सुनानी है, कक्षा में कोई कविता पढ़ानी है, तो उस कविता को सिर्फ पढ़ाते रहेंगे तो इतना अच्छा वो प्रभावित नहीं रहेगी, लेकिन जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, अगर ये कविता को फिल्माया जाए या कि कोई गीत पीछे से गाया जाए तो विद्यार्थी तक ये कविता ज़्यादा अच्छे से पहुंच पाएगी। तो इस प्रकार से यही कुछ उदाहरण हैं जिनके द्वारा मतलब विद्यार्थी तक शिक्षा को ज़्यादा अच्छे से पहुंचाया जा सकता है। धन्यवाद। तो मित्रों, विकास ने भी हमें बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह शिक्षक आईसीटी का उपयोग करके अपनी शिक्षा को सरल और सुरुचिपूर्ण शिक्षक प्रदान कर सकते हैं, जिससे छात्र भी लाभान्वित होते हैं और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी बहुत अच्छे से होती है। तो ये हुए हमारे आईसीटी का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग। आईसीटी का कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियाँ भी हैं। इन लाभ और हानियों पर चर्चा करने के लिए मैं अपनी मित्र अंजू सक्सेना का स्वागत करती हूं, जो कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में या आईसीटी का क्या उपयोग है, क्या लाभ हैं उसके और क्या हानियां हैं, इसको विस्तार से बताएंगे हमारी मित्र अंजू सक्सेना। तो आज स्टूडियो में स्वागत है मेरी मित्र अंजू का, जो आपको बताएगी आईसीटी की हानियाँ क्या हैं। तो अंजू, आप बताइए कि आईसीटी के क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं, ज़्यादा हमें इससे लाभ है या ज़्यादा हमें हानियां हैं। जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ लाभ होते हैं कुछ हानि होती है, इसी तरह आईसीटी भी कुछ लाभ और हानि के साथ आया है। हानि इससे ये है कि बच्चे जो हैं काफ़ी डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, अपने पुराने तरीके भूलते जा रहे हैं कैसे पढ़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट पे समय बिताते हैं। इंटरनेट हम सभी जानते हैं कि दोनों तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितनी जानकारी लेनी है, ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इस तरह से ये उनके लिए हानिकारक है।
इंटरनेट के हानिकारक प्रभावों से हम सभी परिचित हैं, और बट हम इसको मना नहीं कर सकते कि जिसके लाभ हैं उस जिसकी हानि है उसके लाभ नहीं होते। इसका लाभ इतना ज़्यादा है कि हम इसको छोड़ नहीं सकते। हम ये कह सकते हैं आईसीटी आजकल नेसेसरी इविल बन गया है, हमें दिनचर्या में यूज़ ही करना पड़ता है उसे। जी मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा है। आज बच्चों का इंट्रैक्शन भी कम होता जा रहा है। परिवार में आपने देखा होगा सभी लोग अपने अपना फ़ोन लिए हैं, व्यस्त हैं अपने आप में, ना कोई किसी से बातचीत कर रहा है, ना पुराना वाला माहौल रह गया है, ना नाना नानी की कहानियां रह गई हैं। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आईसीटी की हानियाँ भी हैं और लाभ भी हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। तो ये थी हमारी मित्र अंजू। तो हमारी चर्चा का विषय जो था आईसीटी, आईसीटी का क्या अर्थ है, आईसीटी के क्या उपयोग हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का शिक्षकों की क्या भूमिका है, और आईसीटी के क्या लाभ और हानियां हैं। तो मित्रों, यह हमारी चर्चा यहीं समाप्त होती है, और मैं अपने सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और आईसीटी पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। नमस्कार।